अब हम लोग देखने वाले हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो गाइस फिंकलस्टीन को याद रखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। और पहला पॉइंट यहां पे क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन को कन्वर्ट करते हैं आइडो एल्केन में। गाइस आइडो एल्केन में इसे कन्वर्ट किया जाता है। क्या बोला मैंने कहा फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्लोरो एल्केन को या ब्रोमो एल्केन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, आइडो एल्केन में। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, डिसॉल्व इन एसीटोन। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी। फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरो एल्केन लिया, कैसे ले सकते हैं, CH3CH2 और ये रहा क्लोरीन, इसे हम कहते हैं इथाइल क्लोराइड। जैसे मैं इथाइल क्लोराइड को गाइस सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। आपको पता है सोडियम का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, क्लोरीन का नेगेटिव, तो यहां से क्या भार हो जाएगा, NaCl भार हो गया। जैसे ही NaCl भार हुआ गाइस आपको क्या मिल जाएगा, आइडो एल्केन, इट मींस CH3CH2I आपको मिल गया इथाइल आयोडाइड। एक और रिएक्शन देखते हैं ब्रोमो एल्केन के साथ। तो मैंने लिया CH3, मैंने लिया CH2, मैंने लिया Br, क्लियर है, मैंने इसको रिएक्ट कराया सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, सोडियम पॉजिटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, NaBr यहां पे बाहर हो गया गाइस, NaBr बाहर हुआ और हमें क्या मिल गया, आइडो एल्केन, मतलब CH3CH2I, इट मींस इथाइल आयोडाइड गैस हमें मिल गया। तो ये थी फिंकलस्टीन रिएक्शन। चलिए एक और बार रिव्यू कर लेते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन को हम कन्वर्ट करते हैं आइडो एल्केन में। ये रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ प्रोसीड की जाती है। जैसे ही मैंने इथाइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, इसने मुझे क्या दिया, आइडो एल्केन। जैसे मैंने इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, उसने मुझे क्या दिया, आइडो एल्केन। तो गाइस आई होप आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन समझ में आ गई होगी।